इसको ऑफिस से लगवाऊंगा। बैक साइड कीजिए, एक बार देख लीजिए, ये क्लिप है। गर्ल्स मैं आऊँगा, टेंशन मत लीजिए, इसको ऊपर करना है। ये मेरा पिन है, मतलब ये सॉकेट है और यहाँ पिन है। महसूस कीजिए इसमें दाने निकले हुए हैं, कांटे हैं। इसको अगर ऐसे समझा जाए, बिजली का बोर्ड घर पर होगा उसमें होल्स होते हैं, 5 या 3 या 2। 5 हुआ तो 5 पिन कहते हैं, 2 हुआ तो 2 पिन कहते हैं। क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक के बारे में भी आपको जानकारी देनी पड़ेगी, थोड़ी या ज़्यादा, ठीक है, थोड़ी या ज़्यादा देनी पड़ेगी। उसी वजह से मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। तो बिजली के बोर्ड में जो सॉकेट बोर्ड होता है, एक तो स्विच होता है जिसको बटन बोलते हैं, ठीक है, उसके बगल में 5 पिन या 2 पिन या 3 पिन का सॉकेट होता है, ठीक है। ये मेरा पिन है और ये मेरा सॉकेट है, ये सारे पिन इसके अंदर चले जाएंगे। अब इसको ऐसे रखना है, लगेगा सेट हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको क्लिप को गिराइए, इसको नॉक कीजिए और इसके इस कॉर्नर पर फंसाइए इसको, कोशिश कीजिए थोड़ा सा टेढ़ा करके इधर, हाँ खींच के डालिए, खत्म। ये मदरबोर्ड असेंबल हो गया, कुछ नहीं करना है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, एनी डाउट? विल यू ट्राई, न्यू स्टूडेंट? इसको खोलिए और इसको फिर असेंबल कीजिए। हैव ए सीट, हैव ए सीट। आपके रिस्पेक्ट आपके मन से होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज से नहीं। आराम से दबा के प्रेस करके उसको, हाँ प्रेस करके खींचना है, गुड। रुकिए, ऐसे प्रेस करेंगे, थोड़ा सा टानेंगे ना, थोड़ा सा खींचेंगे, खुल जाएगा। अब हाथ में सीपीयू का चिप उठाइए, अब वापस उसको रखने की कोशिश कीजिए और वापस उसी कॉर्नर से उसको लगाइए। पुट इट, इतना ही देर लगता है, 5 सेकेंड लगता है और हमें इससे दूर रखा जाता है। सीपीयू रेडी है। अब इसके ऊपर क्या करना है ये दिखा देता हूं। आई एम कमिंग गर्ल्स, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप यहां देख रहे हैं बोर्ड में इसके ऊपर फैन लगा हुआ है। ये सीपीयू मदरबोर्ड में पावर जाएगा। पावर किससे जाएगा नहीं जाएगा ये भी हम बात करेंगे। तो पावर जाएगा तो ये वोल्टेज लेता है डायरेक्ट 220 वोल्टेज, 220 का वोल्टेज। पोल पर जो तार चलती है, जिस पर आपका घर से एक तार